हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस अगर नहीं किया है। और आज हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई चीजें सिखाने वाले हैं, जैसे कि एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं और साथ साथ जो है उसमें क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं, तो उन प्रोडक्ट का भी अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा जो है उसमें हम डिजाइनिंग पार्ट कैसे करते हैं, एक्सटेंशन तो सब कर लेते हैं बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डिजाइनिंग पार्ट पे। सो हमारा ये जो चैनल है मेन फोकस कर रहा है डिजाइनिंग के ऊपर, सो मेक श्योर एक एक स्टेप बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को क्योंकि आपको बहुत सारी बारीकियां इस वीडियो में दिखने वाली हैं, इसमें हम नेल आर्ट करते कैसे हैं, एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन के ऊपर परमानेंट आर्ट कैसे करेंगे और उसमें भी हम जो टॉपिक कवर अप करेंगे परमानेंट फ्रेंच करेंगे विद परमानेंट कलर, और उसके अलावा जो है ब्रश आर्ट के टॉपिक्स उठाएंगे जैसे कि लिपट पेंटिंग हम कैसे करते हैं। सो मेक श्योर, और उसको जो है परमानेंट भी तो करना है गाइस, सो मेक श्योर कि एक एक स्टेप बिल्कुल मिस मत करना, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सो गाइस, अगर आप भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक टू एडवांस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें कि नेल्स, आई लैशेस, माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज, जिसको भी हम परमानेंट मेकअप भी बोलते हैं, और प्लस इसके अलावा जो है हेयर एक्सटेंशन की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सो वेलकम, हमारे मार्च के बैच में अगर आप अपने एनरोल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक नया डिजाइन विद न्यू टॉपिक्स। सो गाइज, ये है हमारा डिज़ाइन और हमारे क्लाइंट के नेल्स हैं, काफ़ी अच्छे नेल्स हैं, कर्व नेल्स हैं, इनके ऊपर हम कर्व टिप अप्लाई करेंगे आज। और इस तरीके से सबसे पहले हमें जो है पुशर की हेल्प से क्यूटिकल एरिया को पुश करना है और इसके बाद फ्री एज एरिया को एमरी बोर्ड की हेल्प से नीट लुक देनी है ताकि हमारी टिप लॉक हो जाए प्रॉपरली। और अब इसके बाद जो है हम ब्लॉब अप करेंगे, नेल्स को ड्राई करेंगे अच्छे से। सो सभी नेल्स की हमने टिप जो है ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखी हुई है साइजेस के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से ब्लॉब अपर की हेल्प से प्रॉपरली नेल को ब्लॉब अप करेंगे और ग्लू को अप्लाई करेंगे टिप के लॉकिंग एरिया पर, और इस तरीके से टिप अप्लाई कर देंगे सभी नेल्स पर वन बाय वन करके। टिप लग के रेडी है और अब बारी है सभी नेल्स की लेंथ कट करने की। सो टिप क्लिपर की हेल्प से हम जो है लेंथ कट करेंगे, तो जितनी भी लेंथ हमें कट करनी है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कट करेंगे ताकि शेप होने के बाद फाइनल लुक में एकदम जो हमें टारगेट लेंथ चाहिए वो मिल जाए। सो टिप कट होने के बाद अब बारी है हमारी ब्लेंडिंग लाइन करने की नीट, तो जिसका मतलब होता है हम टिप को नैचो नेल में ही मर्ज कर देंगे विद एमरी बोर्ड और साइड्स नीट करेंगे, और जो भी हमें शेप क्रिएट करनी है वो भी हम इसी स्टेप में ही फाइनल कर लेंगे। और सभी नेल्स की ब्लेंडिंग लाइन और शेप कंप्लीट होने के बाद अब करेंगे ब्लो बफर की हेल्प से सभी नेल्स को ड्राई, ताकि हमें इसके बाद जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करना है जेल या एक्रेलिक उसके लिए हम नेल को प्रिपेयर कर सकें। सो इस तरीके से सभी नेल्स को अच्छे से ड्राई करना है, प्रॉपरली शाइनिंग रिमूव करनी है ब्लो बफर की हेल्प से। अभी नेल्स हमारे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और अब जो है बारी है डिहाइड्रेटर अप्लाई करने की, जिसे कि हम प्राइमर भी बोलते हैं। इस तरीके से नेचुरल नेल के एरिया पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया आज हम करने वाले एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन, तो ये है हमारा मोनोमर और इसके लिए हमारा ये ब्रश है और ये है हमारा एक्रेलिक पाउडर। इस तरीके से अप्लाई करेंगे हम सभी नेल्स के ऊपर वन बाय वन करके, और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है गाइस कि बहुत जल्दी इंस्टेंट ड्राई हो जाता है, इसमें बार बार यूवी लैम्प में हाथ रखना नहीं पड़ता है और इसकी जो फिनिशिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो जेल और एक्रेलिक को मैं इक्वली रिकमेंड करती हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि क्लाइंट के नेल्स भी हार्म नहीं होते हैं और हमारी जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो वन मंथ आराम से रहती ही रहती है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने के बाद अब बारी है सभी नेल्स की
फाइलिंग करने की, मतलब कि बफिंग करने की, ताकि हमारा ज़रा सा भी अगर प्रोडक्ट ऊपर नीचे है, अप एंड डाउन है, डंट्स एंड बम्स हैं, तो एमरी बोर्ड की हेल्प से हम उसे नीट कर देंगे बिल्कुल, और शेप को भी एक बार और नीट कर देंगे। तो गाइस सारे के सारे नेल्स हमारे बफिंग होने के बाद एकदम नीट हो गए हैं, और अब हम जो है सभी नेल्स को ब्लोबफर की हेल्प से ब्लोबफ करेंगे कि अगर ज़रा सा भी अप एंड डाउन है या डंट एंड बम्स है तो वो नीट हो जाए, ताकि जिसके बाद हमने जैसे कि डिज़ाइनिंग पार्ट करना है तो उसमें बम्स अगर होंगे या डंट्स होंगे तो वो बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। सो मेक श्योर कि ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इस पर वर्क करें। और सभी ने इसको ब्लॉब ऑफ करने का एक और रीज़न भी था कि एमरी बोर्ड के सारे स्क्रैचेस भी ख़त्म हो जाते हैं। सो अगर आपने नेल एक्सटेंशन करना है सिर्फ यहीं तक ही, तो आप अपने क्लाइंट को इस स्टेप के बाद यूवी टॉप कट अप्लाई कीजिए और आप उन्हें भेज सकते हैं, उनके नेल एक्सटेंशन रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर क्लाइंट कहते हैं कि इसके ऊपर उन्हें परमानेंट आर्ट करनी है, सो मेक श्योर अगले आने वाली वीडियो में के सारे स्टेप्स बहुत ध्यान से देखना, उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हम परमानेंट आर्ट करते कैसे एक्सटेंशन के ऊपर। और अब अप्लाई करेंगे सभी नेल्स के ऊपर पतली पतली कोट जेल पॉलिश की, इस तरीके से बहुत ध्यान से अप्लाई करनी है, थिक जेल पॉलिश बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है, और सभी नेल्स पर अप्लाई करके हम इसे क्योर करवा देंगे। तो फर्स्ट कोट को क्योर कराने के बाद अब अप्लाई करेंगे सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश। सो सेम वही तरीका होगा, बिल्कुल पतली पतली कोट करके अप्लाई करनी है, और आप देख सकते हैं कितना इक्वल आ रहा है, बिल्कुल भी थिक कहीं से भी नहीं आ रहा है, और इवन एप्लीकेशन हो रही है सभी नेल्स के ऊपर। अब हम इसे भी क्योर करवा देंगे। सेकेंड कोट को क्योर कराने के बाद जो है हमारी बारी है फ्रेंच क्रिएट करने की। सो इस तरीके से इस थोड़ा सा डार्क कलर के साथ मैं फ्रेंच क्रिएट कर रही हूँ, और फ्रेंच में हम क्रिएट कर रहे हैं नेचुरल फ्रेंच, जिसे कि हम नॉर्मल या स्माइल फ्रेंच भी बोलते हैं। सो इस तरीके से सभी नेल्स के ऊपर वन बाय वन अप्लाई करके हम इसे भी क्योर करवा देंगे। फ्रेंच का मैंने सिर्फ एक ही कोट दिया, और अब इसके बाद जो है मैं इस तरीके से लिपट पेंटिंग बनाऊंगी अपने ब्रश की हेल्प से, जो फ्रेंच एरिया दिया था। और मैंने सिंगल कोट कलर की गाइस इसलिए दिए क्योंकि मेरे कलर इतने अच्छे हैं कि सिंगल कोटिंग में ही 100% कवरेज देते हैं। सो दैट्स वाई मैं ये कलर कोट के ऊपर डायरेक्टली वर्क करने के बाद और इसे सुखाने के बाद अब हम अप्लाई कर रहे हैं यूवी टॉप को, जिसे कि हम सीलर भी बोलते हैं। सो हमारा पूरा वर्क डन हो चुका है, और यूवी टॉप कोट अप्लाई करने के बाद इसे क्योर करवाना है। अगर आपके पास एलईडी है तो 90 सेकेंड इनफ है, और यूवी टॉप कोट है तो एटलीस्ट 120 सेकेंड गाइस ज़रूर क्योर करवाना, और मेक श्योर कि प्रॉपरली साइड से और आपका फ्री एज एरिया से कैपिंग ज़रूर हो जाए। और अब हम इसे क्योर करवा देंगे। क्योर करवाने के बाद ये है फाइनल लुक। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, थैंक यू।